अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। बुशरा अंसारी की तलाक़, पहला रद्द अमल आ गया। बुशरा अंसारी ने तलाक के मामले पर खामोशी तोड़ दी। मरूफ़ अदाकारा बुशरा अंसारी ने अपनी तलाक से मुतलक अफवाहों को ख़त्म करते हुए खामोशी तोड़ दी है। लेजेंडरी अदाकारा और गुलकारा ने निजी टी वी को दिए गए एक इंटरव्यू में पहली बार अपनी तलाक के बारे में गुफ्तगू की। मेज़बान के सवाल पर कि क्या आप तलाक के बारे में अवामी सतह पर बात नहीं करना चाहती, उन्होंने तफसीलन जवाब देते हुए बताया कि दरअसल ये बहुत पुरानी बात है। उन्होंने सीनियर अदाकारों का हवाला देते हुए कहा कि हम सब एक फैमिली की तरह हैं और अगर किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा तकलीफ दे लम्हा आए तो सब परेशान हो जाते हैं। बुशरा अंसारी ने जमाल शाह और फरियाल की मिसाल देते हुए कहा कि वो दोनों एक नहायत खूबसूरत जोड़ी थे, जब उनकी जोड़ी टूट गई तो लोगों के दिल भी टूट गए। ये अच्छी बात है कि किसी ने यह नहीं कहा कि इसमें औरत का कसूर था या मर्द का। लेजेंडरी अदाकारा का कहना था कि मसाइल सबकी ज़िंदगी में होते हैं, ख्वाह वो अदाकार हो, बैंकर हो, डॉक्टर हो या किसी और पेशे से मुंसलिक अफराद। इन बातों का आवाम को अदराक नहीं होता, इसलिए मैंने निजी ज़िंदगी के इस बात को आवाम के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा। ख्याल रहे कि मरूफ अदाकारा गुलकारा बुशरा अंसारी की शादी प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी से हुई थी, जिनसे उनकी दो बेटियां नारमैन अंसारी और मीरा अंसारी हैं। बुशरा अंसारी की हदायतकार इकबाल हुसैन के साथ दूसरी शादी की खबरें भी सोशल मीडिया की जीनत बनती रही हैं, तहम मरूफ हदायतकार ने इन खबरों की तरदीद कर दी थी। तो नाजरीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस बारे में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।